टीवी पर ऐसे कितने ही शोज टेलीकास्ट किए जा रहे हैं जिन्हें लंबे वक्त से जनता काफी पसंद कर रही है। इन शोज पे एक वक्त के बाद मेकर्स लंबा लीप लेकर आए और कहानी को नए स्टार्स के साथ नई तरह से शुरू भी किया और वो नई कहानी के साथ भी हिट भी हुए। जी हाँ, अब कौन कौन से हैं ऐसे 6 शोज जिनमें नई कास्ट और नई कहानी का मेकर्स का फॉर्मूला रहा हिट, बताते हैं आपको। इमली, गुल खान के इस शो को लंबे वक्त से जनता प्यार दे रही है। शो की शुरुआत में सुमित तौकीर खान और गश्मीर महाजनी नजर आए और फिर मेकर्स ने फहमान खान की कहानी में एंट्री करवाई, लेकिन जब शो में जनरेशन लीप आया और इमली की बेटियों की एंट्री हुई तो मेकर्स पर लोगों ने काफी सवाल भी उठाए थे। यहाँ तक कि मेकर्स को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मेकर्स का नए लीड को लाने का फॉर्मूला कामयाब हुआ और आज ये शो टॉप शोज की लिस्ट में बरकरार है। बता दें कि जनरेशन लीप के बाद अब शो में सीरत कपूर, करण वोहरा और मेघा चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। पंड्या स्टोर, पंड्या स्टोर भी एक ऐसा शो है जिसकी कहानी को लोगों ने लीप के बाद ज्यादा पसंद किया है। बता दें कि जब शो की शुरुआत हुई थी तो धारा और गौतमी की कहानी को जनता का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। ऐसे में मेकर्स ने शो के ऑन एयर होने के कुछ ही हफ्तों के बाद जनरेशन लीप प्लान किया था और गौतम के भाइयों के ट्रैक को शो में जोड़ते हुए कंवर ढिल्लो, अक्षय खिरोडिया और मोहित परमार की एंट्री करवाई और तब से अब तक ये शो लोगों का पसंदीदा शो बना हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी के लॉन्गेस्ट रनिंग शोज में से एक है जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से छाया हुआ है। शो की कहानी में अब तक 3 पीढ़ियों की कहानी दिखाई जा चुकी है। अक्षरा नैतिक के बाद जनरेशन लीप आया और कहानी कार्तिक नायरा की दिखाई गई जो सुपरहिट रही और फिर अब कहानी अभी अक्षरा की नजर आ रही है और अब भी ये शो धमाल मचा रहा है। नागिन 6, नागिन 6 एकता के नागिन सीरीज का सबसे लंबा चलने वाला सीजन बन चुका है। शो में कई बार लीप आ चुके हैं और ये सीजन ऐसा सीजन बन चुका है जिसमें लीप के बाद की कहानी को जनता और चाव से देख रही है, जिसके कारण शो की रेटिंग्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उडारिया, उडारिया सरगुन और रवि के प्रोडक्शन में बना पहला शो है जो अब तक कलर्स पे जारी है। शो में पहले फतेह, तेजो और जैस्मिन की कहानी दिखाई जा रही थी। जब शो में मेकर्स ने जनरेशन लीप प्लान किया तो फैंस को यही लग रहा था कि शायद अब शो में वो दम नहीं रहेगा जो फतेह, तेजो और जैस्मिन के होने से था, लेकिन भाई शो की नई स्टार कास्ट और कहानी को भी जनता बराबर प्यार दे रही है और ये शो लीप के बाद भी खूब पसंद किया जा रहा है। और कुमकुम भाग्य, कुमकुम भाग्य भी उन शोज की लिस्ट में शामिल है जिसमें जनरेशन लीप आने के बाद कहानी सुपरहिट है। अभी प्रज्ञा के बाद कहानी प्राची और रणवीर की है जिसने ऐसा जादू किया कि लोगों को ये जोड़ी काफी पसंद आ रही है और शो भी टॉप शोज की लिस्ट में शुमार है।